ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम श्री भगवान शंकर के रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। भगवान शंकर के रुद्राष्टक का उच्चारण करने से बहुत से कठिन काम संभव हो जाते हैं, दुष्कर कार्य संभव हो जाते हैं, जिन्हें करना एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता या वह सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, वह भी संभव हो जाता है। रुद्राष्टक का पाठ भगवान श्री राम ने सेतु बंध की स्थापना पर, जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की, वहां पर इसका पाठ किया था। और भगवान शंकर का आशीर्वाद ग्रहण किया था और इसी रुद्राष्टक के पाठ से भगवान शंकर मां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए और राम को विजय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और राम ने रावण का, पूरे कुल का सर्वनाश कर दिया। रावण को उनके एक चूंकि दोष के कारण ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस या असुर कहा गया, जिन्हें शास्त्रों में ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ब्राह्मण मंत्रज्ञ हो, विद्वान हो, लेकिन उसमें असुरता आ जाए, यानी वह आसुरी कार्य करने लगे, राक्षसी कृत्य करने लगे, तो ऐसा मंत्रज्ञ और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 16 में दैवीय संपदा प्राप्त और आसुरी संपदा प्राप्त मनुष्यों के लक्षण बताए हैं, और यह बताया है कि कौन कौन व्यक्ति सुर है यानी दैवीय संपदा प्राप्त है और कौन कौन व्यक्ति असुर है। सुर और असुर यह भिन्न मनुष्य नहीं है। मनुष्य में ही कुछ लोग सुर यानी देव होते हैं और मनुष्यों में ही कुछ लोग असुर यानी राक्षस या दैत्य होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 16 इस संबंध में विस्तार करता है। उससे आगे जाकर के अध्याय 17 में जब त्रैगुण विभाग करते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तो बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। अतः विषय को विस्तार से समझने के लिए कि रावण ब्राह्मण होते हुए भी ब्रह्म राक्षस क्यों कहलाया या उसका पूरा कुल राक्षस या असुर क्यों कहलाया, इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 16 और 17 आपको अध्ययन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो ब्रह्म राक्षस पूरा कुल राक्षस हुआ और उसके बारे में कहा जाता है कि पूरे कुल का सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया, भगवान श्री राम ने उसका सब कुछ सारा वैभव नष्ट कर दिया और श्री बजरंगबली ने उनकी लंका फूंक दी, सोने की लंका। इसीलिए कहावत बनी, एक लख पूत सवालक नाती, जा रावण के दिया न भाती। यानी एक लाख पूत और सवा लाख नातियों के बावजूद भी ब्रह्म राक्षस यानी ब्राह्मण राक्षस रावण का सर्वनाश हो गया, कुलनाश हो गया, उसके दिया बाती करने वाला न रहा कोई,
कोई भी उसका श्राद्ध करने वाला नहीं रहा, कोई पानी लेवा, नाम लेवा, पानी देवा, कुछ नहीं बचा। तो इस रुद्राष्टक का उच्चारण करने से पूर्व मैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का उच्चारण और स्मरण करना उचित समझता हूं। तो हम द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12, इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पुण्य प्रातः स्मरण करते। सौराष्ट्रे सोमनाथम चिरशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यां वेद्यनाथम चडाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गुष्मेशम च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ये 4 श्लोक हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से ही मिट जाता है। अब भगवान श्री राम द्वारा श्री रामेश्वरम पर भगवान शंकर की आराधना उपासना करते हुए जिस रुद्राष्टक का पाठ किया गया, अब मैं उस रुद्राष्टक का उच्चारण कर रहा हूं। और यह नित्य प्रति भगवान शंकर के समक्ष विशेषकर बाणलिंग, रसलिंग, पार्थिव शिवलिंग, सुंदर शिवलिंग, स्वर्णलिंग इत्यादि किसी के समक्ष भी अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इसमें नमः शिवाय ये 5 अक्षर ही पंचाक्षरी मंत्र कहे जाते हैं। ओम लगते ही यह षष्ठाक्षरी हो जाता है, यानी 6 अक्षर हो जाते हैं। ओम प्रणव है, जब आपका गुरु न हो या गुरु ने मंत्र न दिया हो और आप वैसे ही भगवान शंकर की आराधना करने लगे हो, उपासना करने लगे हो, या किसी भगवान शंकर के परम भक्त द्वारा आपको नमः शिवाय का मंत्र न दिया गया हो और उसके उच्चारण की, साधना की, उपासना की अनुमति प्रदान न की गई हो, तो ऐसी अवस्था में ओम लगाना हर मंत्र के आगे अनिवार्य होता है। ओम प्रणव अक्षर है, परम अक्षर है, परम पद है। भगवान श्री कृष्ण ने ओम अक्षर की श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर और परम व्याख्या की है। परमोच्च अक्षर है, सर्वोच्च अक्षर है। कुंडलिनी जागरण की जो विद्या करते हैं या प्राणायाम के जरिए जो कुंडलिनी जागरण करते हैं, तो जब सहस्त्राधार में शक्ति पहुंचती है यानी सप्तम चक्र में, बिल्कुल अंत में, तो वहां पर करोड़ों सूर्यों के समान सिर्फ विस्फोट होता है। एक प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, और इसके सिवा कुछ नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ मात्र ओंकार नजर आता है। यह ओंकार ही ओम कहा जाता है। यानी कि जब आप कुंडलिनी जागरण की पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, आपकी शक्ति मूलाधार से उठ करके प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, यानी आज्ञा चक्र, षष्ठ चक्र, आज्ञा चक्र,
से होती हुई सहस्राधार तक पहुंचती है, यानी सहस्रार तक, यानी अंतिम सप्तम स्थान तक। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ ओम मिलता है, परम अक्षर मिलता है, जिसे प्रणव करते हैं। प्रणव को ध्वनिलिंग भी कहा गया है। भगवान शंकर ने शिव पुराण में ओम को, प्रणव को ध्वनिलिंग कहा। और जब किसी चीज को पूर्णता देनी हो, संपूर्णता देनी हो, तो आपको किसी गुरु का आदेश नहीं है, भगवान शंकर का आदेश नहीं है, या शंकर भक्त का आदेश नहीं है, और आप यूं ही शिव साधना में जुट बैठे हैं, तो सर्वप्रथम आपको यह स्मरण रखना चाहिए, भगवान शंकर ने 5 करोड़ मंत्रों को कीलित कर दिया था। भगवान आशुतोष द्वारा 5 करोड़ मंत्र कीलित है, जिसका अर्थ ये है कि आप जीवन भर उन मंत्रों को जपते रहिए, जपते रहिए, कोई असर नहीं करेंगे। अतः मंत्र का पहले उत्कीलन आवश्यक होता है, उत्कीलन करना। आप जब मंत्र का उत्कीलन कर लेते हैं, उसके बाद उसकी और भी तमाम संस्कार क्रियाएं हैं, तत्पश्चात ही आप मंत्र जाप कर सकते हैं, और तब जाकर के वह मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है। विशेषकर गायत्री मंत्र के बारे में कहना चाहूंगा, गायत्री मंत्र का जाप हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, या घर में कभी भी गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसेट से, सीडी से, या स्वयं के द्वारा नहीं करना चाहिए। इसकी कई वजह हैं। प्रथम तो यह कि भगवान शंकर आशुतोष द्वारा कीलित जब मंत्र किए गए, तो कीलन अवस्था में भी है उसके द्वारा, और इससे अलग हट करके गायत्री शापित है, गायत्री को शाप लगा हुआ है। तो गायत्री मंत्र एक शापित मंत्र है। तो गायत्री मंत्र में कीलन, बाद कीलन और उत्कीलन की जो क्रियाएं हैं, यानी इसको उत्कीलित करने की क्रिया है, वो बाद में की जाती, और उससे पहले इसका शाप विमोचन किया जाता है। गायत्री को 3 बार श्राप लगा, 3 शराप लगे कीलन के बाद। तो शाप विमोचन, तो गायत्री का पहले शाप विमोचन करना चाहिए, इसका शाप उद्धार जब हो जाता है, उसके उपरांत फिर इसका उत्कीलन करना चाहिए, फिर संस्कार करने चाहिए, उसके उपरांत ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। वरना गायत्री मंत्र आप जीवन भर जापते रहें, सुनते रहें या उच्चारण करते रहें, उसका कोई असर नहीं होगा। और यह संभव है कि उल्टा असर हो, क्योंकि मंत्र शास्त्र में या तंत्र शास्त्र में यह कहा गया है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः प्रकाशात सिद्धान स्याद अवश्यम मरणम भवेत, यानी आपका नुकसान होगा, विनाश की ओर आप, पतन की ओर आप बढ़ जाएंगे। अतः गायत्री मंत्र का उच्चारण वर्जित है, प्रथम तय कीलन के कारण और दूसरे शापित होने के कारण। अतः गायत्री के जाप से बचें। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अब भगवान शंकर के श्री रुद्राष्टक पर आते हैं। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा हमारी अन्य सीडी और कैसेटों में आ चुका है, तो आपको उसमें सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो महाविद्या जो है 10 महाविद्या, उसमें से प्रथम महाविद्या, महाविद्या तो श्री महाकाली, और अन्य विद्याएं जो हैं 9, यानी ये कुल जो 10 महाविद्या पुकारी जाती,
इन विद्याओं के बारे में सिर्फ इतना कहना काफी है कि इनका किसी का भी किसी भी उद्देश्य से किसी भी विद्या का जाप किया जाए वह उद्देश्य अवश्य परिपूर्ण होता है, परंतु जब कोई गुरु मंत्र दे या मंत्र का उच्चारण किसी सिद्ध व्यक्ति से प्राप्त हो, साधना प्राप्त और सिद्धि प्राप्त, व्यक्ति जब आपको मंत्र देता है तो मंत्र स्वयं ही उत्कीलित होता है, यानी उसका उत्कीलन नहीं करना पड़ता, उसके संस्कार नहीं करने पड़ते, आप उसे सीधे जप कर सकते हैं और आप सीधा जाप उसका कर सकते हैं। यही एक खास बात है, अन्यथा आप ओम लगा करके केवल तभी जाप करें, प्रणव लगा करके, जब आप मंत्र को उत्कीलित कर लें और उसका संस्कार कर लें तब आप ओम लगा करके किसी मंत्र का जाप करें। या फिर इसकी दूसरी विधि यह है कि आप प्राणायाम के द्वारा अपनी कुंडलिनी का जागरण करें और कुंडलिनी के जागरण के जो प्रक्रिया है, जब मूलाधार से शक्ति प्रथम चक्र तक पहुंचती है तो आपको कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो कुछ कुसंगों से छुटकारा मिलता है, बुरे लोगों से छुटकारा मिलने लगता है और कुछ उच्च कोटि के लोगों से आपका संपर्क बनने लगता है, और जो किसी भी प्रकार से दुष्ट हैं, द्रोही हैं या अशुभ तत्व हैं वो आपसे छूटने लगते हैं, दूर रहने लगते हैं। तो आप ये पाएंगे कि आपके अगर 100 मित्र हैं तो जब आपकी कुंडलिनी में शक्ति प्रवाह होकर प्रथम चक्र तक आएगा तो 100 में से बमुश्किल से 10 या 8 बचेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। आप उनसे दूर रहने लगेंगे या वो आपसे दूर होने लगेंगे। इस प्रकार से सारे के सारे दुष्ट और असुर तत्व, जिन्हें उनको स्वयं को भी नहीं पता होगा कि उनके अंदर में कोई भी किसी भी प्रकार की असुरता है, आपको भी नहीं मालूम होगा, ये सब अलौकिक चीजें होती हैं, उनके अंदर की चीजें होती हैं। जब कुंडलिनी की शक्ति प्रथम चक्र पर आती है तो आपको बहुत से लोगों से स्वतः दूर कर देती, और जो उच्च कोटि के सुर तत्व रहते हैं यानी दैवीय तत्व रहते हैं या दैवीय संपदा प्राप्त विलक्षण या उच्च कोटि के मनुष्य देव स्वरूप, उनसे आपके संबंध बनते हैं, बनने लगते हैं, या वो जो उनमें से होंगे वो बचे रह जाते हैं। प्रथम चक्र पर शक्ति आते ही इतनी बड़ी घटना घटती है, बहुत से लोग घबरा जाते हैं और साधना को यहीं अधूरी छोड़ देते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं सबसे अलग होता जा रहा हूं, सब लोग छूटते जा रहे हैं, सब दोस्त छूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, या कोई स्त्री नारी है तो बेवफा या हरजाई हो रहा है, होने दीजिए। ये उस कुंडलिनी की शक्ति का प्रथम चक्र पर पहुंचने का बहुत तीव्र और प्रभावगामी असर है, ऐसा होता है। राक्षसी असुरता आपसे दूर होने लगती है, दैवीयता आपसे जुड़ने लगती है, तो दैवीय लोग कम होते हैं, दैवीय संपदा प्राप्त मनुष्य बहुत कम होते हैं, केवल वही मात्र आपके पास शेष रह जाएंगे, बाकी के खोटे सिक्के सारे के सारे आपके स्वतः ही निकल जाएंगे और जो खरे सिक्के होंगे सिर्फ वह बच रहेंगे। ऐसा प्रथम चक्र पर ही हो जाता, और इससे भी जो नहीं घबराता और आगे बढ़ता जाता है, अपनी शक्ति को उठा करके दूसरे चक्र तक लाता है तो दूसरे चक्र तक उसे और भी अधिक विलक्षण
शक्तियों की प्राप्ति होती है, विलक्षण लोगों की, विलक्षण संपर्कों की, विलक्षण कई विलक्षण वस्तुओं की प्राप्ति होने लगती है, उसके अंदर बहुत से सद्गुण आने लगते हैं और दुर्गुणों से, दुर्गुणियों से सबसे छुटकारे होकर के उसका सीधा संपर्क पितृलोक और दैवीय लोक यानी अप्सरा गंधर्व इत्यादि से ऑटोमेटिकली बनने लगता है। खैर ये तो कुंडलिनी जागरण की, प्राणायाम की जो हमारी अलग से योग विद्या पर जो राजयोग पर सीडी है या कैसेट है उसे आप सुनेंगे, उसमें बहुत विस्तार से हमने बताया। इसका उल्लेख यहां इसलिए जरूरी था कि भगवान शंकर का ध्यान सबसे आसान माना जाता है, उन्हें भोले भाले कहा जाता है। तो भोले तो है लेकिन साथ में भाले जुड़ा हुआ है, यानी भोले के संग में भाला साथ चलता है, त्रिशूल साथ चलता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। भगवान शंकर त्रिनेत्री है, तीसरा नेत्र है, खुल गया तो एकदम से कृपा इतनी बरसा देते हैं, इतनी बरसा देते हैं कि मनुष्य सोच नहीं सकता। और अगर कहीं वो भाले बन गए, भोले से बन गए भाले, तो फिर कर देते हैं सर्वनाश। और भगवान शंकर ने जिनको वरदान दिए, जिनको अमरताएं प्रदान कर दी, उनका भी नाश भगवान शंकर ने ही करवा दिया। भगवान शंकर की महत्ता इतनी अधिक है कि जब भगवान विष्णु भगवान शिव के सहस्र नाम स्तोत्र से, भगवान शंकर के जो हजार नाम है उससे भगवान विष्णु जी शंकर जी की आराधना में बैठे और उन्होंने 1000 कमल पुष्प लिए और भगवान शंकर के हर नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाते चले जाते। जब एक पुष्प चढ़ाते जाते एक नाम बोलते जाते। इस प्रकार से भगवान शंकर विष्णु जी के प्रति बहुत मोहित चित्त हुए, प्रसन्न चित्त हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि विष्णु जी आराधना कर रहे हैं तो कोई चक्कर है, कोई विशेष बात है, तो थोड़ा परीक्षण कर लिया जाए। तो उन्होंने परीक्षण के लिए क्या किया कि भगवान विष्णु ने जो 1000 कमल के फूल वहां पर रखे थे, जिनकी वो आहुतियां दे रहे थे उनके एक एक नाम पर, उसमें से एक फूल गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया। तो जब भगवान विष्णु जी 999 नामों का उच्चारण कर चुके और अंतिम एक नाम रह गया तो वहां एक पुष्प कम पड़ गया, जब कमल का एक पुष्प कम पड़ गया तो भगवान विष्णु भी बहुत चतुर थे, वो समझ गए कि ये सब भगवान शंकर की शरारत है और वे जानबूझ करके मेरा परीक्षण, मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, मेरी साधना में विघ्न डालना चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही अपना एक नेत्र निकाल करके भगवान शिव को उनके अंतिम नाम के साथ समर्पित कर दिया। इस तरह पूरे 1000 कमल पुष्प भगवान शंकर को अर्पित हो गए। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता, विष्णु जी का नाम कमल नयन है, तो उनका जो नयन था यानी कमल बन गया और इस तरह 1000 पुष्प पूर्ण हो गए। भगवान शंकर उसी क्षण तक क्षण प्रकट हुए भगवान विष्णु के सामने और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, विष्णु जी अब बताइए करना क्या है, आपने मुझे क्यों पुकारा है, आपने तो जो करना था कर दिया। तो उन्होंने एक पुष्प भगवान शंकर ने स्वयं जो छुपा दिया था
लुप्त कर दिया था वो स्वयं प्रकट कर दिया और विष्णु जी का कमल नयन उन्हीं को वापस कर दिया। तो विष्णु जी का कमल नयन जब वापस हो गया, पूजा भी पूरी हो गई और स्वयं भगवान शंकर ने अंतिम आहुति पूर्ण आहुति के रूप में स्वयं ही पुष्प अर्पित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्यों इतना मेरे पीछे पड़ गए हो, क्या चाहते हो? तो भगवान विष्णु बोले कि भगवान शंकर आप तो बहुत भोले भाले हैं, बहुत सज्जन हैं, और किसी भी दुष्ट को असुर को जो भी आपकी तपस्या साधना कुछ भी करता है आप वरदान दे देते हो। अमरता का वरदान मांगता है तो आप अमरता का दे देते। मैं किसी भी भांति से न मारा जाऊं, मेरे लिए मारने का कोई तरीका नहीं रहे, ऐसा कोई वरदान मांगे तो आप ऐसा वरदान दे देते। तो इससे देवों को भारी संकट होता है। सारी दैवीय शक्तियां बहुत परेशान हो जाती हैं, मुसीबत में पड़ जाती हैं। तो प्रभु ऐसा कुछ उपाय करिए, ऐसा कुछ उपाय दीजिए जिससे कि आप किसी को भी वरदान दें तो उसे हम मार सके, वो मर जाए बचे नहीं, क्योंकि हम आपके वरदानों से परेशान हैं और उन्हें मारने की विधि हमें फिर सूझती नहीं। तब भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया। तो भगवान शंकर द्वारा जब सुदर्शन चक्र दिया गया तो कहा गया कि मैं किसी को भी अमरता का वरदान दूं या न मरने का वरदान दूं या किसी भी भांति से न मारे जाने का भी वरदान दूंगा तो भी यह सुदर्शन चक्र जिस पर भी चला दिया जाएगा, जिस पर भी चल जाएगा, वो बचेगा नहीं, चाहे अमर हो चाहे कुछ हो। और यही एक वजह थी कि राहु केतु ने अमृत पान कर लिया था, उसके बावजूद भी सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उनको धड़ से अलग कर दिया और राहु केतु दोनों का धड़ और सिर अमर होने के बावजूद भी अलग अलग घूमते रहते हैं, आमने सामने फिरते रहते हैं, क्योंकि फिर उसे वापस जोड़ने की कोई विधि नहीं। इस प्रकार से राहु केतु के कष्ट से मुक्ति दिलवाई। ऐसी सुदर्शन चक्र जो है भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि विष्णु ये दो अवतारों के पास में रहा। भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र रहा, अन्य किसी अवतार में सुदर्शन चक्र नहीं आया। सुदर्शन चक्र में एक अलग विधि है, एक अलग विद्या है पूरी, उस पर हमारी एक अलग सीडी और कैसेट है। सुदर्शन भी होता है, स्वदर्शन यानी कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडलिनी जागरण के द्वारा आपको स्वदर्शन होता है, खुद के बारे में पता चलता जाता है, आप त्रिकालदर्शी होते चले जाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं, आपको पूरे ब्रह्मलोक का, पूरे ब्रह्मांड का, संपूर्ण धरा पृथ्वी सब जगह की चीजें सुनाई देने लगती, महसूस होने लगी। आप एक जगह बैठे रहिए, आपको तमाम दिव्य सुगंध है, तमाम दिव्य लोगों से बातचीत है जो दूर हो रही होंगी, सैकड़ों किलोमीटर दूर सुनाई देने लगती, महसूस होने लगता है, बहुत कुछ होता है। खैर वो एक अलग विद्या है। अब श्री रुद्राष्टक का पाठ करते हैं भगवान शंकर का, जो भगवान श्री राम ने सेतुबंधु श्री रामेश्वरम पर किया था और शंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था और रावण पर विजय पाई थी, लंका जीती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे अहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो अहम्। तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारु गंगा लसद्बाल बालेन्दुकंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीश चरमांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडम अयम भानु कोटि प्रकाशम। त्रयः शूल निर्मूल नम शूल पाणिम भजे अहम भवानी पतिम भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्तीह लोके परेवा नराणाम्। न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो अहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम्। जरा जन्म दुखोग तात प्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ये भगवान श्री शंकर का रुद्राष्टक था। श्री रुद्राष्टक का इस उच्चारण को आप नियमित रूप से शिवलिंग के समक्ष करें और प्रभु शंकर का ध्यान करें, आपको अवश्य भगवान शंकर प्रसन्न होकर के सब कुछ प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।